का हमारे इस चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आपकी यूपी पुलिस में पूछे जाने वाले जीके और जीएस की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है, तो हम आपके लिए इनसी इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ आई बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे कि आपके लिए जो वीडियो बनाई जा रही है आपके पास टाइम टू टाइम रेगुलरली पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आपको पता है कि सल्तनत काल चल रहा है, इसका सन दिया है 1206 ईस्वी से 1226 ईस्वी। तो आपको पता है कि इसका सेकेंड टॉपिक चलने लगा विजयनगर व अन्य प्रांतीय राज्य। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है देवराय फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन है देवराय सेकंड, थर्ड ऑप्शन है कृष्ण देवराय, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपका कृष्ण देवराय इस थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है राज राजा, सेकंड ऑप्शन है देवराय फर्स्ट, थर्ड ऑप्शन है देवराय सेकंड, फोर्थ ऑप्शन है कृष्ण देवराय। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, कृष्ण देवराय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। तो आपका फर्स्ट सूची में दिया है पुस्तक, सेकंड सूची में दिया है लेखक। तो आप चलिए सही इसका सूची हम फर्स्ट सूची को सेकंड सूची से मिलान करते हैं। आपका फर्स्ट है मनुचरितम, सेकंड ऑफ है परिजात अपहरणम, सेकंड थर्ड है पांडुरंग महामत्य, फोर्थ है अमुक्त माल्यद। तो चलिए सही मिलान इसका करते हैं। तो आपका ए वाले का हो जाएगा अल्लाह सानी पेद दन्ना, सेकंड हो जाएगा परिजात अपहरणम का हो जाएगा नदी तिम्या, थर्ड का हो जाएगा पांडुरंग महामत का हो जाएगा तेनाली राम रामकृष्ण, चलिए फोर्थ वाला हो जाएगा आपका कृष्णदेव राय। तो आपका ये मिलान सही है। तो कोर्ट में देखेंगे आपका है ए का देखेंगे एक है, और बी का टू है, और तीन का तीन है, सी का फोर, डी का है फोर। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया? तो फर्स्ट है कृष्ण स्वामी मंदिर, सेकंड ऑप्शन है मिठल स्वामी मंदिर, थर्ड ऑप्शन है हजार रामा स्वामी मंदिर, फोर्थ है मीनाक्षी मंदिर। तो आपका सही ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, मीनाक्षी मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अमुक्त माल्यद, सेकंड ऑप्शन है मनुचरितम, थर्ड ऑप्शन है परिजात अपहरणम, फोर्थ है मदुरा विजय। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अमुक्त माल्यद, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोक प्रियकरों को समाप्त किया? तो फर्स्ट ऑप्शन है देवराय फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन है देवराय सेकंड, थर्ड ऑप्शन है देवराय कृष्ण देवराय, फोर्थ ऑप्शन है सदाशिव राय। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कृष्ण देव राय, सी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अहमदनगर के निज़ाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो फर्स्ट ऑप्शन है, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। तो सेकंड ऑप्शन है, मुगल सेना ने दौलताबाद किला ध्वस्त कर दिया और अहमदनगर के निजामुल मुल्क की हत्या कर दी। थर्ड ऑप्शन है, फतेह खान ने निजामु मुल्क की राजगद्दी छीन ली। फोर्थ है, 1631 में मुगलों के साथ युद्ध में मलिक अंबर पराजित हुआ और संपूर्ण राज परिवार मुगल सेना द्वारा मार दिया गया। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ए वाला आपका ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राजा बोडयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो फर्स्ट ऑप्शन है सदाशिव, सेकंड ऑप्शन है तिरुमाल, थर्ड ऑप्शन है रंगा सेकंड, फोर्थ ऑप्शन है विकेट सेकंड। तो आपका डी वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी निरपेक्षता का आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है हुसैन शाह, सेकंड ऑप्शन है जैन उल अबिदीन, थर्ड ऑप्शन है इब्राहिम आदिल शाह, फोर्थ है महमूद द्वितीय। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह, सी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका राम राय या राम राजा, सेकंड ऑप्शन है तिरुमल, थर्ड ऑप्शन है नरसा नायक, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा, राम राय या राजा राम, राम राजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तरंगड़ी का युद्ध, तालिकोटा का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1526 के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका अच्युत देव, सेकंड ऑप्शन है सदाशिव राय, थर्ड ऑप्शन है कृष्ण देव राय, फोर्थ है देव राय सेकंड। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सदाशिव राय, बी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालिकोटा का युद्ध का कारण था? फर्स्ट ऑप्शन है राम राय का दक्षिणी सल्तनतों के साथ दमपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतरराज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप। सेकंड है विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनों के समान ईर्ष्या व घृणा की भावना। तो थर्ड है ए और बी दोनों, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? फर्स्ट ऑप्शन है बीजापुर, सेकंड ऑप्शन है अहमदनगर, सॉरी दोस्तों टाइपिंग करने में गलती हो गया, थर्ड ऑप्शन आपका है हम लिख देते हैं सी वाला है आपका गोलकुंडा। ये आपका सी वाला ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है आपका बाबर। सॉरी दोस्तों आपका डी वाला ऑप्शन है बरार।
ये वाला आप, ये आपका डी ऑप्शन है, ये आपका सी वाला गोलकुंडा ऑप्शन है, तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, बरार आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है पानीपत का तृतीय युद्ध, सेकंड ऑप्शन है आधोनी का युद्ध, थर्ड ऑप्शन है तालीकोटा का युद्ध, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध, सी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध 1556-65 के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी की? तो फर्स्ट ऑप्शन है निकोली द कोंटी, सेकंड ऑप्शन है डोमिगो पायस, थर्ड ऑप्शन है फरनाओ नूनीज, फोर्थ ऑप्शन है सीजर फेंड्रिक। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, सीजर फेंड्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित मंदिर है? तो फर्स्ट ऑप्शन है विट्ठल के रूप में विष्णु को, सेकंड ऑप्शन है विट्ठल के रूप में शिव को, थर्ड ऑप्शन है विट्ठल के रूप में गणेश को, फोर्थ तो है विट्ठल के रूप में कार्तिकेय को। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, और विट्ठल के रूप में विष्णु को, ये वाला आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के सदृश उत्कीर्ण किए गए हैं? फर्स्ट ऑप्शन है विट्ठल स्वामी मंदिर, सेकंड ऑप्शन है हजार रामा स्वामी मंदिर, थर्ड ऑप्शन है मीनाक्षी मंदिर, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका बी वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा, हजार रामा स्वामी मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था? फर्स्ट ऑप्शन है मदुरा के पांडे शासकों ने, सेकंड ऑप्शन है मदुरा के मुस्लिम शासकों ने, थर्ड ऑप्शन है मदुरा के नायकों ने, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मदुरा के नायकों ने, सी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है लिपाक्षी को, सेकंड ऑप्शन है अनेगुंडी, थर्ड ऑप्शन है कुंभकोणम, फोर्थ ऑप्शन है श्रीरंगम। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा लिपाक्षी, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ दिया है सूची फर्स्ट, दूसरी तरफ दिया है सूची सेकंड। आपका सूची फर्स्ट में दिया है बड़वा और बी में दिया है बेस बेग, थर्ड में दिया है राय, फोर्थ दिया है गंड पेद्र। तो आपका सही मिलान करते हैं, तो आपका बड़वा को हो जाएगा उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बनने वाले लोग। आपका बी वाला हो जाएगा बेस बेग का हो जाएगा दासों का क्रय विक्रय। आपका थर्ड वाला हो जाएगा राय का विजयनगर, विजयनगर काल में राजा को कहा जाता था। आपका बचा गंडपेद्र, तो आपका ये हो जाएगा पैर में पहना जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा। तो आपका ये सही हो जाएगा। चलिए अब इसका कोट में देखते हैं। तो आपका देखेंगे एक आ फोर्थ, ए का है चार, तो इसमें देखेंगे ए का चार किस में है, ए का चार ए में है और डी में है, और ये दोनों वैसे ही गलत हो जाएगा। फिर देखते हैं बी का है हमारा दो, दो है ए वाले में है, दो है और इसमें डी वाले में नहीं है, तो डी वाला गलत हो जाएगा, ए वाला परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर पंचाल का अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन है अभिजात वर्ग, सेकंड ऑप्शन है दस्तकार वर्ग,
थर्ड ऑप्शन है कृषि वर्ग, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो आपका बी वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा, दस्तकार वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करें। फर्स्ट है सूची फर्स्ट, दूसरा भी है सूची सेकंड। आपका सूची फर्स्ट में है भंडारवाद ग्राम भूमि, सेकंड में दिया है मान्या भूमि, थर्ड में दिया है अमरम भूमि, फोर्थ में दिया है रत कोडगे भूमि। अब इसका सही मिलान चलिए करते हैं दोस्तों। आपका ये मिलान ए का हो जाएगा, पहला राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि, और मान्या भूमि का हो जाएगा राज्य द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि। अमर भूमि का हो जाएगा अमरम भूमि का सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि। आपका रत कोडगे का भूमि का हो जाएगा युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले की को दी जाने वाली भूमि। तो आपका ये मिलान सही है। चलिए कूट में देखते हैं दोस्तों, देखेंगे ए का एक किस में है। तो फर्स्ट वाले में है आपका ए वाला ऑप्शन, आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है। फर्स्ट है ऑप्शन उबली भूमि, इसका सुमेलित दिया है गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले में दी जाने वाली करमुक्त भूमि। सेकंड दिया है कुटगी, इसका दिया है पट्टे पर ली गई भूमि। थर्ड दिया है कुदी, इसका है कृषक मजदूर, और फोर्थ है मान्या, फोर्थ वाला आपका है मान्या भूमि, राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। इसमें कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो डी वाला आपका गलत है, ये सुमेलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा कालीन पेशावा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था। फर्स्ट ऑप्शन है प्रधानी महाप्रधानी, सेकंड ऑप्शन है प्रधानमंत्री, थर्ड ऑप्शन है सर्वनायक, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, प्रधानी महाप्रधान महाप्रधानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। फर्स्ट है सूची, इधर दिया सूची फर्स्ट, इधर दिया सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में दिया है सभानायक, दूसरा दिया है सर्वनायक, थर्ड दिया है मने प्रधानम, फोर्थ दिया है मुद्राकर्ता। तो आपका सही मिलान हो जाएगा फर्स्ट ए का हो जाएगा, फर्स्ट में मंत्री परिषद का अध्यक्ष, सर्वनायक का हो जाएगा मुख्य सचिव, मने प्रधानम का हो जाएगा गृह मंत्री, मुद्राकर्ता का हो जाएगा शाही मुद्रा को रखने वाला। तो ये आपका सही सुमेलित है। चलिए देखते हैं, ए का एक दिया है फर्स्ट वाले में और बी का दो दिया है, सी का तीन और डी का चार। तो आपका ए वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक किस काल में प्रशासन में नायंकर व्यवस्था एवं अयंगर व्यवस्था प्रचलित थी। फर्स्ट है आपका संगम काल में, सेकंड है चोल काल में, थर्ड है राष्ट्रकूट काल में, फोर्थ है विजयनगर काल में। तो आपका डी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरम का अर्थ था। फर्स्ट है जागीर, सेकंड है एक पदवी, थर्ड है किसान, फोर्थ है राजा। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक पदवी, बी वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे कहा जाता था। तो फर्स्ट है आपका नायंकार, सेकंड है अयंगार, थर्ड है राय, फोर्थ है गौड़ा। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, नायंकार।
निरंकार आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिष्ट का अर्थ था, फर्स्ट है भूमि कर, सेकंड है संपत्ति कर, थर्ड है आयात शुल्क, फोर्थ है व्यवसायिक कर। तो आपका ए वाला ऑप्शन भूमि कर परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? फर्स्ट है कदाचार, सेकंड है अष्टवर्ण, थर्ड है बेस वेग, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कदाचार, ए वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु के कवि कवित्रय में शामिल नहीं था। फर्स्ट है नयन नान्य, सेकंड है तिक्कन, थर्ड है एरा प्रागण, फोर्थ है तिरुआ तिरुपुल वर। तो ये आपका फोर्थ वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। तो आपका एक तरफ दिया है सूची फर्स्ट में दिया है राज्य, सूची सेकंड में दिया संस्थापक। तो राज्य दिया जौनपुर, मालवा, गुजरात, बंगाल। तो इसका संस्थापक है, जौनपुर के संस्थापक है मलिक सरवर ख्वाजा शाह, मालवा के संस्थापक है दिलावर खां गोरी, गुजरात के संस्थापक जफर खां मुजफ्फर खां, बंगाल के संस्थापक है शम्भुद्दीन इलियास शाह। तो आपका कोर्ट में देखेंगे, ए का है एक और बी का है दो और सी का है तीन और डी का है चार। तो ए वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानदेश राज्य का संस्थापक था। फर्स्ट है मलिक रजा फरूकी, सेकंड है अलाउद्दीन हसन, थर्ड है जौना खा, फोर्थ है जलालुद्दीन आसान शाह। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, मलिक रजा फरूकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग के आक्रमण 1398 ईस्वी के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था। फर्स्ट है जौनपुर, सेकंड है रामपुर, थर्ड है खानदेश, फोर्थ है बुंदेलखंड। तो आपका ए वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा, जौनपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट है, कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस्सर्क पूर्व की स्वामी थी? फर्स्ट है जौनपुर, सेकंड है खानदेश, थर्ड है मालवा, फोर्थ है गुजरात। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन जौनपुर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया? फर्स्ट है महमूद शाह, सेकंड है गैसुद्दीन शाह, थर्ड है हुसैन शाह, फोर्थ है बाज बहादुर। तो आपका डी वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद की स्थापना किसने की? फर्स्ट है अहमद शाह फर्स्ट, सेकंड है मोहम्मद शाह, थर्ड है महमूद बेगड़ा, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अहमद शाह फर्स्ट, ए वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? फर्स्ट है मालवा, सेकंड है गुजरात, थर्ड है खानदेश, फोर्थ है जौनपुर। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गुजरात, बी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल अबिदीन ने महाभारत, अंतर राज तरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया? फर्स्ट है उर्दू में, सेकंड है अरबी में, थर्ड है फारसी में, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फारसी में, तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बड़ शाह महान सुल्तान के नाम से या करते हैं? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है जैन उल अबिदीन, सेकंड है सुल्तान सिकंदर,
मुतासिकन, थर्ड ऑप्शन है सुल्तान सियाहुद्दीन, फोर्थ ऑप्शन है सुल्तान कुतुबुद्दीन। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जैन उल अबिदीन, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया। फर्स्ट ऑप्शन है अलाउद्दीन हुसैन शाह, सेकंड ऑप्शन है नुसरत शाह, थर्ड ऑप्शन है राजा गणेश, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आपका बी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा, नुसरत शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं के जजिया कर लेने ना लेने का आदेश दिया। तो फर्स्ट ऑप्शन है अलुगुद्दीन हसन बहमन शाह, सेकेंड है मोहम्मद शाह, थर्ड है दाऊद फर्स्ट, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अलुगुद्दीन हसन बहमन शाह, बहमन शाह, ये आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसुद राज बंदान वाज को भूमि अनुदान दिया। फर्स्ट है अलाउद्दीन हसन, सेकंड है ताजुद्दीन फिरोज, थर्ड है सियाबुद्दीन अहमद, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ताजुद्दीन फिरोज, ये आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है अलाउद्दीन हसन, सेकंड ऑप्शन है ताजुद्दीन फिरोज, थर्ड ऑप्शन है महमूद गावा, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका बी वाला ऑप्शन अब परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है महमूद गावा, सेकेंड ऑप्शन है मुर्शीद कुली खाँ, थर्ड ऑप्शन है अलाउद्दीन हसन, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा महमूद गावा, गावा आपका, ये आपका ए वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ। फर्स्ट है दो, सेकंड है तीन, थर्ड है फोर और फिफ्थ है पांच। तो डी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका बाबर, सेकंड ऑप्शन है बीजापुर, थर्ड ऑप्शन है अहमदनगर, थर्ड ऑप्शन है गोलकुंडा। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बरार, ये आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन राज्य स्वतंत्र हुआ। तो फर्स्ट ऑप्शन है बीजापुर, सेकंड ऑप्शन है अहमदनगर, थर्ड ऑप्शन है गोलकुंडा, फोर्थ ऑप्शन है बीदर। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बीदर, डी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, एक तरफ दिया सूची फर्स्ट में राज, दूसरी तरफ दिया सूची सेकंड में राज्य का विलय किसके द्वारा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है बरार, सूची फर्स्ट में दिया है बरार, सेकंड दिया अहमदनगर, थर्ड में दिया बीजापुर व गोलकुंडा और फोर्थ दिया बीदर। तो आपका बरार का हो जाएगा अहमदनगर, अहमदनगर का हो जाएगा शाहजहां, बीजापुर व गोलकुंडा का हो जाएगा औरंगजेब, बीदर का हो जाएगा बीजापुर। तो आपका ये, चलिए कूट में देखते हैं दोस्तों। आपका कूट में दिया है ए का दिया एक और बी का देखते हैं कि दो किस्में और सी का तीन और डी का चार, ये आपका ए वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है। फर्स्ट है जौनपुर में, सेकंड है बंगाल में, थर्ड है गुजरात में, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बंगाल में, बी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो फर्स्ट है जौनपुर में, सेकंड ऑप्शन दिया है पडुआ बंगाल में, थर्ड ऑप्शन दिया गुजरात में, फोर्थ दिया है खानदेश में। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जौनपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आज का आपका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है भद्राचलम, सेकंड ऑप्शन है चिदंबरम, थर्ड ऑप्शन है हम्पी, फोर्थ ऑप्शन है श्रीकाल हस्ती। आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम्पी, सी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, जो भी मिस्टेक और गलतियाँ हो उसके लिए सॉरी दोस्तों। तो अगर वीडियो देखने में अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, साथ ही साथ आई बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों।